हाय एवरीवन, दिस इज मायरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है, मैं अभी ना थोड़ा सा, मैंने जस्ट मेकअप रिमूव किया है शाम को, क्योंकि मेरे को बड़ी नींद आई हुई थी इसलिए मैं सो गई थी खा पी के। एंड अब मैंने मेहंदी भी लगाई है, मैं मेहंदी लगा के सो गई 2 घंटे, मस्त कलर अब आना शुरू हो गया है। और अब ये मेरा वर्कआउट होने वाला है, पर जिस रूम में मैं करती हूँ टीवी पे गाने लगा के, वो रूम ऑक्यूपाइड है बाय माय ब्रदर, क्योंकि हमने पिछली मेरी कौन सी वो व्लॉग था, वो सरप्राइज फॉर डैड एंड वो दूसरा वाला सैटरडे वाला, उसमें हमने देख लिया होगा हमारी कितनी लड़ाई हुई थी रूम के पीछे। तो अब मैं वहाँ जाऊँगी नहीं, तो अब हम बाहर वर्कआउट करेंगे, तो बैकग्राउंड के लिए हम पहले सॉरी, एंड मुझे नहीं लगता इतना गंदा होगा बैकग्राउंड। तो चलते हैं, करते हैं अपनी हालत टाइट, लेट्स गो। ओके, सो यहाँ से वीडियो जो होगी सारी वॉइस ओवर होगी, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑडियो, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। तो एक पोनी कर ली, कैमरा रख दिया, ये फुल बॉडी वर्कआउट होने वाला है, तो वार्म अप से शुरू करेंगे, जंपिंग जैक से वार्म अप। एंड या एक तो जंपिंग जैक करने में ना बहुत मेरे को वो लगती है, मतलब मेहनत, और मैं इसमें जो वर्कआउट है पूरा नहीं करूंगी, लाइक हर वर्कआउट के 2-3 बार इसको करके आपको सिर्फ आइडिया दूंगी कि आप कैसे कर सकते हो, कि वीडियो मेरी पहली 20 मिनट्स की है और लंबी हो जाएगी। तो आप लोग न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लो कि आप इन लोगों ने वर्कआउट करना है सपने, एंड मेरे साथ ही कर लो, खड़े हो जाओ, ईजी है। एंड या ये तो हो गए, अब नेक्स्ट आ जाओ। हाँ नेक्स्ट, मुझे पता नहीं इसे क्या कहते हैं, तो लाइक मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ, अपने पैर के नीचे दबा लो, नहीं ऊपर से रिकॉर्ड नहीं होगा, मैं नीचे से ही करना पड़ेगा रिकॉर्ड, नीचे यहाँ पे मैं सेटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये मेरी नाकाम कोशिश। तो और एक गाइस, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर मैं बीच बीच में चुप हो जाऊँ ना, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, तो बीच बीच में अगर मैं चुप हो जाऊँ तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत करना। और इतना से डार्क एस्थेटिक सा इफेक्ट था, पता नहीं कैसे हुआ था, मैं पास में आई तो वो ठीक हो गया, छोड़ो अब जैसा है वैसा ही ठीक है। एंड इसको एक पैर के नीचे दबाया, अब इसको एक पैर के नीचे दबा के हमने ऊपर को पुल करना है, मेक श्योर आपकी एल्बोज, मतलब ये तो मैंने गलत कर दिया था, मेक श्योर आपकी एल्बोज नहीं ऊपर आनी चाहिए, एल्बोज तो अपनी जगह पे ही है, जो आपके एल्बोज के नीचे वाला पार्ट है, जितना भी लोअर पार्ट है वो आना चाहिए ऊपर, इससे आपके जो उस पार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो भी नीचे का होता है आम आपकी, एंड आपका बाइसेप जो होता है उसमें, इसमें मसल डिवेल्प होता है। इतना मुझे खास नॉलेज नहीं है, पापा मेरे को वर्कआउट कराते हैं इसलिए जो उनकी वर्डिंग है मुझे जितनी याद है मैं उतनी बोली जा रही हूँ। अब दूसरे पैर पे आ गए, अब इसको हम उल्टे करेंगे, और मैं भूल गई थी कि उल्टा कैसे करते हैं, और मुझे सोचने में टाइम लग जाएगा, मैं सोचती रहूंगी क्या करना है। चल भाई समायरा, क्या कर रही है, ये तो हो गया उल्टा वाला, यस यस, हाँ सही कर रही, सही कर रही है, चल ना, यस ऐसे ही। और इसमें इतनी स्ट्रेंथ लगती है, और जितना भी वर्कआउट है देखने में बहुत इजी लगेगा, पर ये एक्चुअल में जो बंदा करेगा उसको पता है। एंड मेरा ये नहीं मानना कि अगर आपके पास 20 लिखा, 20 स्क्वाट्स करने, 20 पुशअप्स करने, तो 20 ही करोगे, जितने कर सकते हो उतने करो, और ये कोई खास एक्सरसाइज मुझे लगी नहीं, इसमें मैं थक गई ज़्यादा। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज ये वाली ख़त्म हो गई है, एंड नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, जल्दी बता बहन कौन सी है, मेरे को ऐसे थोड़ी याद नहीं है ना ऐसे एक्सरसाइजेस। तो नेक्स्ट वी हैव प्लैंक, एंड चलो अब इसमें मेरा जो स्वेटर है वो नीचे लग रहा था, क्योंकि ये लूज ओवर साइज टी शर्ट है इसलिए ये नीचे लग रही थी, और मेरा पेट ऊपर था, तो किसी को लग रहा है ना कि मैं नीचे मैं पेट टच करके बैठी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी सिर्फ टी शर्ट जो स्वेट शर्ट है वो नीचे टच हो रही है। मैंने फिर कैमरे में चेक किया और मिरर में कि ऐसा लग रहा है, तो मैंने और ऊपर अपने आप बॉडी पोस्चर कर लिया। एंड या मुझे अपना पेट जो है गोल सा है इसको थोड़ा सा अंदर करना है, ताकि मेरे बर्थडे तक मैं ठीक वो हो जाऊँ, लाइक अच्छी ड्रेस पहन सकूँ। यहाँ मेरे लिप्स और आई लैशेज इतनी अच्छी लग रही थी ना, कि मैं उनसे ऑब्सेस्ड हुई पड़ी थी, बार बार उन्हें ही देखी जा रही थी।
एंड फिर से हमने कैमरा ऊपर सेट कर दिया। नाउ नेक्स्ट मेरा मुंह बन गया, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वी हैव, चल कर बहन क्या बोली जा रही है मेरे को खुद नहीं पता, ये स्क्वाट्स हैं। तो स्क्वाट्स में आपने ये देखना है कि जितने आपके शोल्डर की वेट था उतने आपके लेग्स भी ओपन होने चाहिए, और फिर उसमें आपको बिल्कुल नीचे ना अपनी बॉडी पीछे लेके जानी है, आपकी लोअर बॉडी पार्ट जो हिप्स वाला एरिया है उसको पीछे लेके जाना है, एंड नीज आपके बेंडेड होने चाहिए और बाकी बॉडी पीछे जानी चाहिए। एंड मेक श्योर कि आपकी लेग्स उतनी ओपन हो जितना आपकी शोल्डर की लेंथ है, एंड हैंड्स अगर आप ऐसे चेस्ट पे क्रॉस करके रखोगे तो ये इजी रहेगा, जो सामने हैंड्स ऐसे लाइक ऐसे पीटी वाला नहीं होता वन आर्म डिस्टेंस, वैसे में दोनों करोगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, आई मीन मेरे को मुश्किल लगता है। तो मैं ये सारे बहुत सारे करती हूँ, पर अभी मैं इसे थोड़े थोड़े थोड़ करके आइडियाज़ दे रही हूँ हर एक्सरसाइज 2-3 टाइम्स करके कि आपको कैसे करनी है। एंड या मैं थकी हुई हूँ, मैं लेटी हुई हूँ, लेटी नहीं बैठी हुई हूँ, और या इट्स काइंड ऑफ टायरिंग, एंड दिस इज बर्पीज आई गेस। बर्पीज मेरे को पापा करवाते हैं इसलिए मेरे से तो होते नहीं है, और ये वाला गलत हो गया, इसमें मेरा पूरा ब्लंडर है बर्पीज में, मुझे पता है। और आपको मेरे वर्कआउट में कहीं भी गलती लगे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कोई पोस्चर गलत है, कुछ गलत है, तो यो प्लीज फील फ्री टू टेल मी इन कॉमेंट्स एंड आई ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ। ओके, वो तो मैं हो ही नहीं रहे थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आ गए हैं, और ये क्या है मैडम जी, ये आई गेस क्रंचेस, यस क्रंचेस भी कह लेते हैं इनको कोई, एंड एब एक्सरसाइजेस भी कह लेते हैं, तो उन किसके बहुत सारे नेम्स हैं। एंड ये एब्स के लिए होते हैं जबकि आई गेस इससे जो आपकी बेली फैट होता है वो भी कम होता है, मेरे को मेनली बेली फैट हमने कम करना है। एंड रोज़ मैं डांस वगैरह करती रहती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, तो मेरा फ़र्क तो पड़ जाता है यार, काफ़ी पड़ रहा है बॉडी को फ़र्क। एंड यस, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये कौन सी है, लंजेस। तो लंजेस से आपको जो थाइज में है उसमें स्ट्रेंथ आती है, एंड आपके स्क्वाट्स में भी थाइज में स्ट्रेंथ आती है। एंड स्क्वाट्स का क्या फ़ायदा है, उससे दो चीज़ें, आपकी आपकी थाई में भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी लेग्स स्ट्रांग होती हैं जल्दी, मतलब लेग्स पेन नहीं होती, इसको करते हुए बहुत पेन होगी, एंड जब आप वर्कआउट करोगे ना तो आपको फर्स्ट डे बहुत क्रैम्प्स पड़ेंगे, सेकेंड डे सेम वर्कआउट रिपीट करोगे तो आपके वो क्रैम्प्स ख़त्म हो जाएंगे। सो अगर आप वीक में एक दिन वर्कआउट स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी 6 डेज इट इज़ कंपल्सरी टू डू योर वर्कआउट। एंड स्क्वाट से एक और चीज़ जो होती है, आपकी बेली फैट जो होती है वो भी रिड्यूस होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं वहीं पड़ी हुई हूँ, कौन सी है मेरे को पता ही नहीं, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है क्योंकि ना स्वेट शर्ट पहनाई हुई है मम्मी ने दो दो तीन तीन, और इसमें गर्मी बहुत लगती है वर्कआउट करते वक्त। एंड ये वर्कआउट फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट वीक तो बहुत मुश्किल लगेगा ये रशियन ट्विस्ट जो मैं कर रही हूँ अभी, पर ये आदत पड़ जाएगी। एंड रिमेम्बर जो मैं हैंड्स ऐसे साइड साइड पे कर रही हूँ कि बॉल की तरह ड्रिबल है ना, ये फास्ट फास्ट नहीं करने, ये बहुत स्लो स्लो करने हैं। एंड वर्कआउट इज सो हार्ड, एंड ट्राई तो करना ही पड़ेगा करने का, पर यस फायदा भी बहुत है इससे, जब आपको एक बार इससे आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे तो ये एडिक्शन बन जाता है एक्चुअली में, यस। तो विदाउट इक्विपमेंट्स भी वर्कआउट हो जाता है। एंड वापस जंपिंग जैक्स, जंपिंग जैक से भी हमारी ना जो लाइक हाँ बेली फैट रिड्यूस होती है, यहाँ पे मैं इतना थक चुकी थी ना, और आज मैं वैसे ही ज्यादा थक रही थी, आज मैं कम कर रही हूँ वर्कआउट तो मैं ज्यादा थक रही हूँ, नहीं तो वैसे इन नॉर्मल डेज में तो थकती नहीं हूँ जल्दी, और मेरा पेट भी दर्द होने लग गया, और फुल बॉडी वर्कआउट इसलिए बहुत हार्ड भी हो रखा है। ये है टक, इन एंड आउट भी कहते हैं, कोई लोग टक भी कहते हैं, मतलब बॉडी को लोअर पार्ट को और अपर पार्ट को अपनी बॉडी को टक करना। एंड जो बंदा ये सीख जाए, मुझे पता है मेरा पोस्चर गलत है, इसमें मैं वापस दोबारा इसमें करेक्ट करूँगी अपना पोस्चर। एंड जो बंदा ये सीख जाए ना, उस बंदे की कभी वो नहीं होगी लाइक बेली फैट ज़्यादा नहीं पड़ेगी एंड बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत मुश्किल होते हैं भाई ये,
मेरे से नहीं हो रहे, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या सोच रही हूँ मुझे भी नहीं पता। चलो आगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? अच्छा यस, दिस इज काफ एक्सरसाइज। ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि थोड़ी सी ना एक्सप्लेन समझने में टफ लगेगी, और ये आपको ना एक दो दिन इसमें बहुत लाइक पेन वगैरह होगा काफ्स में, पर इसको 1 वीक करके देखो, 1 मंथ करके पूरा देखोगे ना तो आपको आपके चेंजेस दिखने लग जाएंगे। सिंपली आपको सिर्फ वॉल पे अपने हैंड्स रखने हैं और अपने ना बॉडी को ऊपर लेके जाना है, जैसे मैं अपनी लेके जा रही हूँ ना, मैं टोज से, और हील्स को मतलब ऊपर नीचे हील्स को करना है। बट रिमेम्बर, आपकी हील्स ना हवा में वापस चली जाएंगी। हील्स आप ऊपर करोगे, उसको नीचे नहीं लगाना, उसके बाद हवा में ही ऊपर। लाइक मैं पूरा नीचे टच नहीं कर रही, कैमरे में चाहे लग रहा होगा कि मैं टच कर रही हूँ, पर मैं एक्चुअल में कर नहीं रही। हील्स ऊपर की, नीचे थोड़ा सा लाए, ज़मीन से टच होने से पहले ही ऊपर कर ली। एंड इसमें पेन होता है काव्स में, और इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं कब तक करनी है, और जब तक करनी है आप, जब तक आपकी बॉडी स्ट्रेंथ दे रही, कर लो। एंड यहाँ मैंने मेहंदी भी लगाई थी, मैं लगा के सो गई, मैं 2 घंटे सो गई, इसलिए अच्छा खासा रंग आ गया। अभी भी अभी और डार्क हो रहा है। यस, एक और प्लैंक। प्लैंक लाइक जो बंदा, मेरे पापा ने कहा है कि जो बंदा 30 सेकेंड्स का प्लैंक डे में, 30 सेकेंड के 30 प्लैंक्स लगा लेना, उस बंदे की बेली फैट 1 महीने के 2 हफ्ते में चली जाएगी। एंड मैं बस प्लैंक लगाना ही भूल जाती हूँ बाकी, और ये लगते भी नहीं है। प्लैंक इज वेरी हार्ड, ये देखने में आसान लग रहा होगा कुछ लोगों को, करके देखो, 15 सेकेंड का भी नहीं होगा। लोग तो एक एक दो दो मिनट की कर लेते हैं, मेरे से तो 30 सेकेंड्स का नहीं हो रहा पूरा। ये हमारी स्पोर्ट्स डे वाली गर्ल जिसने सेकेंड आई है लेमन एंड स्पून रेस में। ओके, ये जा ही नहीं रही यार एक तो। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, चल बहन कर ना, वर्चुअल स्किपिंग। तो इसमें जैसे आप स्किपिंग करते हो ना, इसमें आपको क्या करना है, 1 लेग आगे 1 लेग पीछे, एंड हैंड्स की मूवमेंट्स आप चाहे आप नहीं करो, मेरे को थोड़ी सी फील ले रही थी ना, मैं इसलिए कर रही हूँ। जंपिंग की करनी है सिंपल, आगे पीछे आगे पीछे। और मेरे यहाँ पे ना आर्म्स में दर्द हो गया था, लाइक छोटे छोटे क्रैम्प्स पड़े हुए थे। चलो ना बहन आगे कीजिए, पता नहीं क्या समझाई जा रही है, मेरे को याद ही नहीं मैंने क्या क्या किया है। अपनी नॉर्मल जो आप इसमें पुशअप वाली पोजीशन में आ जाए, एंड उसके बाद आपको ना अपने 1 हैंड से अपना ऑपोजिट शोल्डर टच करना है। अगर राइट हैंड ऊपर कर रहे हो तो लेफ्ट शोल्डर, एंड लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर। तो मतलब हाँ, ये भी आपके हैंड्स की स्ट्रेंथ के लिए होता है, क्योंकि आप एक हैंड हैंड पर अपना पूरा बॉडी को, वेट को बैलेंस कर रहे हो, देन इट्स हार्ड। ओके, जो नेक्स्ट इज अपना आई गेस साइड बाइसाइकल क्रंचेस। यस, और नी 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 टचेस। यस यस यस, नील आल क्या हील टचेस, मैं क्या बोली जा रही हूँ यार, मैं कंफ्यूज हो पड़ी हूँ। एंड सॉरी अगर ये वीडियो बोरिंग हो रही है, तो आप सिर्फ वर्कआउट पे फोकस करो, मेरी आवाज़ तो है ही ऐसी। और पर या मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सप्लेन तो करनी पड़ेगा। यस, ये भी खत्म हो गए। ये सारा वर्कआउट बहुत इजी लग रहा होगा कुछ लोगों को देखने में, पर उठ के भी मेरे साथ करके देख लो। अभी 13 मिनट की वीडियो ही हुई है ना, 13 मिनट से लेकर 9 मिनट में, क्या कितने मिनट का, 6 ही मिनट का होगा डिफरेंस। 6 मिनट वर्कआउट करके देख लो मेरा वाला। अब आपको उसमें क्या करें, प्लैंक वाली पोजिशन लेके अपने मतलब हिप्स को दोनों साइड्स पर लाइक डिप कर रहे हो, जैसे आप एग्जाम्पल ना, जैसे साइड पर आपकी बाल्टी पड़ी है पेंट की, तो आप उसमें डिप कर रहे हो, समझिए ना कैसे आप। ओके, सो नेक्स्ट इज आर बाईसाइकिल क्रंचेस। अब आ गए ये ना थोड़ी सी कैमरा ड्यूरेशन में ऐसे लग रहे हैं, पर नॉर्मल लाइफ में करके देखो तो ये इजी नहीं है। मेरे अजीब लग रहे हैं ना कैमरा में थोड़े, पर या रियल लाइफ में अलग लगते हैं देखने में। हाय, मैं बोल बोल के थक गई यार, थोड़ा मैं चुप रहूंगी, आप बस वीडियो देखो। यस, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम आ गए हैं, अब ये है हमारी बटरफ्लाई किक्स। लाइक 1 सीजर्स भी कह लेते हैं कुछ लोग, बटरफ्लाई किक्स भी कह लेते हैं, 1 लेग ऊपर 1 लेग नीचे। एंड मेरे को मेरे काफ में बहुत डिफरेंस दिखने लग गया काफ एक्सरसाइज करके, एंड ये बहुत मुश्किल होती है करनी भाई। लेग स्ट्रेट अप से रखी नहीं जाती, जिनको प्रैक्टिस है उनको है, बाकी
बस ऐसा ही हाल है। नेक्स्ट इज डेड बग्स, ऐसे कुछ नाम है, मैं नाम भूल गई, दोबारा पढ़ने गई थी। डेड बग्स, इसमें आपको 1 लैग मतलब लाइक फोल्ड करनी है तो दूसरी स्ट्रेट ऑपोजिट, यस ऐसे चलेगा। लेग रेजेस भी थी इसमें पर मैं भूल गई करने, एंड मेरे से होते भी नहीं है वो, मैंने बेइज्जती होनी थी, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, यूट्यूब से देख लो लेग रेजेस। ओके तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। कौन सी है जी? और किसी को लग रहा है कि मुझे एक्सरसाइज ही नहीं पता, तो मैं भूल चुकी हूँ। सिंपल जंपिंग, मेरे पास लिखी भी नहीं हुई है वो, मैंने कॉपी कहाँ रख दी मेरे को याद नहीं। सिंपल जंपिंग करो, ओ भाई साहब कितनी, मतलब मैम इस तो सिंपल जंप है, मेरी तो मेरी जंप तो काफ़ी हाई लगा लेती हूँ मैं। अगेन एक प्लैंक, यानी मैंने 15 या 20 सेकेंड्स के 3 प्लैंक लगाए, 3 प्लैंक लगाना 30 सेकेंड्स के 30 प्लैंक पूरे डे में। चलो ट्राई करते हैं भाई, इस बार न्यू ईयर का यही रेजोल्यूशन है कि 1 घंटा जैसे मर्जी करके अपनी देना ही है अपने इसको, क्या ये वर्कआउट को देना ही देना है। ओके अब नेक्स्ट इज, ये ट्रांजिशन हो गया यहाँ पे ना, वीडियो पीछे मेरी कट थी, 2 वीडियोस थी वो ज्वाइन की, और ट्रांजिशन ही हो गया अजीब ही, तो मैं दोबारा काफ़ी एक्सरसाइज कर रही थी तो उसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी साइड टक्स, तो हम साइड लाइक साइड पे मतलब टर्न होके अपनी बॉडी को टक कर रहे हैं अंदर को, इससे काफ़ी फर्क पड़ता है आपकी बेली पे एंड थाइस पे, साइड टक्स कहते हैं इन्हें। एंड या हो गए, ये भी ट्रांजिशन हो गया, यहाँ पे वीडियो कट थी बीच में। सो नेक्स्ट इज साइड प्लैंक, ये भी नहीं लगता मेरे से, मैं फिर भी लगा रही हूँ। आप मतलब आइडिया दे रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते, मतलब ये सब पूरा वर्कआउट फॉलो करोगे 1 महीने के लिए मैं स्लिप हो गई तो आपकी बॉडी में काफ़ी फर्क आएगा। और यहाँ पे मैं थक हार के लेट गई, ऑब्वियसली आई टायर्ड। नेक्स्ट ये लास्ट होगी मेरे ख्याल से एक्सरसाइज जो भी है। नेक्स्ट ये रिवर्स प्लैंक, लाइक उल्टा प्लैंक। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू आर एंजॉयड एंड गॉट अ बिट मोटिवेटेड। तो ये वीडियो जब पोस्ट होगी तब आई गेस परहैप्स उस दिन 31st हो गया, 31st हो गया, फर्स्ट होगी 31st ऑफ दिसंबर और या 1st ऑफ जनवरी। सो सब अपने अपना रेजोल्यूशन ले लो कि हमने वर्कआउट करना है, और मेरा बर्थडे एग्जैक्ट 1 month रह गया है, आज 30th दिसंबर है, हैप्पी बर्थडे वी। एंड मेरा बर्थडे आता है 30th जनवरी को, तो यस आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे। एंड मैं जो ड्रेस लिए ना, उसको जो मैंने वेयर किया था ट्रायल रूम में, उसमें मेरा पेट ऐसे, मेरा पूरा ऐसे राउंड दिख रहा था। तो नाउ मेरा रेजोल्यूशन ये होगा कि मैं अपना इस पूरे, मैंने अभी कुछ ही दिनों से स्टार्ट किया, देख और डार्क हो गई मेरी मेहंदी, तो मैंने अभी कुछ दिनों से स्टार्ट किया वर्कआउट करना, मैंने पहले बीच में छोड़ दिया था, एग्जाम्स आ गए थे एंड देन वो स्पोर्ट्स डे कैंप करी, इंग्लिश डिक्लेमेशन पंजाबी एंड ऑल, तो वो सब हमने छोड़ के पीछे एक्चुअली, हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो मेरे को अब अपने बर्थ 1 महीना, मुझे अपने महीने में अपना पेट बना ऐसे स्लिम करना है कि मेरी ड्रेस अच्छी लगे, नहीं तो कोई जुगाड़ तो मैं लगा ही लूँगी उसको अच्छा करने के लिए, मेरा पेट ना दिखे। बट यार फिट हो तो अच्छी बात है। एक टाइम होता था मेरी मम्मी मुझे धमकाती थी कि अगर तेरा वेट इतना नहीं हुआ, मतलब इतना नहीं बढ़ा इससे, मतलब मेरा जब मैं 7 8 ईयर्स की थी ना, मेरा वेट 24 25 था, और दादू कहते थे, दादू कहती बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मम्मी कहती 30 थी वो, मैं मानूंगी बहुत। और अब देख लो मुझे खुद तो टेंशन हो रही है, 46 47 वेट चला गया मेरा, तो मुझे इसे कम करना है एंड मेंटेन रखनी है अपनी बॉडी यार, स्ट्रॉन्ग बच्चे खाते पीते घर के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज रिमेंबर आई लव यू, बाय।